वेट कितना लिया इसका? 3 किलो मूंगफली है और 10 ग्राम इलायची है। 3 किलो मूंगफली है और 10 ग्राम इलायची है। मूंगफली बिल्कुल दाने छिले हुए हैं इसके, पके हुए ठीक है। चलिए आज बनाते हैं हम गुड़ की पट्टी, ठीक है ना भैया? गुड़ की पट्टी बना रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सामान लिया आपने? आधा किलो चीनी, देखिए आधा किलो गुड़ है और 2 किलो चीनी है इसके अंदर। ये देखिए जो चीनी और गुड़ है उसे पहले पकाया जा रहा है। पहले स्टेप में इसे बिल्कुल पतला कर दिया जाएगा, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। भैया कितनी देर करते हैं ये आप, कितनी देर पकाते हैं फिर? भैया बता रहे हैं सिर्फ 10 मिनट तक इसे पकाया जाएगा। चपड़ा पतला कर रहे हैं इसको, पका रहे हैं। ये देखिए गुड़ की बिल्कुल गरम करके इन्होंने पतला कर लिया है। भैया से पूछते भैया कितनी देर करते हैं? अब ये देखिए मिक्स कर रहे हैं इसे। इनके पास ये लकड़ी की एक बड़ा डंडा है जिससे इसे हिलाए जा रहे हैं। भैया कितनी देर करते हैं आप ये? कम से कम 5 से 10 मिनट कितना कितनी देर करते हैं? 5 से 10 मिनट भैया बता रहे हैं चाशनी जैसी तैयार हो जाएगी, इस उतार के अगली स्टेप में तैयार करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब ये देखिए इन्होंने उतार ली है और इसके अंदर मूंगफली डाल दी है, छिली हुई मूंगफलियाँ, और इसे अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है। अब देखिए फुटबॉल की तरह बना दी इन्होंने। कुछ अलग कारीगर लग गए हैं जो इसे अलग अंदर डाल दी इन्होंने पिस्ता, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाए। अब देखिए अगली इसमें स्टेप में इसे कटर के द्वारा
काटा जा रहा है जिससे इसकी शेप आ जाए। और अब इसे काटने के बाद में देखिए आप पंखे के द्वारा ठंडा किया जा रहा है। भैया कितनी देर करते हैं इसको ठंडा? दो से पाँच मिनट। देखिए इसे बिल्कुल ठंडा किया जा रहा है और अब अगली स्टेप में आप देख सकते हैं इसे एक डब्बे में पैक कर दिया गया है। और इसकी खुशबू बता रही है कितनी अच्छी और कितनी प्यारी ये मूंगफली का चपड़ा तैयार हुआ है।